हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वस्तिका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट गैलरी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल राखी का वीडियो। सामने ही रक्षाबंधन है तो इसलिए मैंने ये राखी बनाई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने ये राखी बनाई है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने ये राखी तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में बने रहिए। तो पहले मैं एक गत्ता ले लिया है, आप कार्डबोर्ड भी कह सकते हो, तो इसे ले लिया है कोई भी टुकड़ा। और यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है, छोटा सा सर्कल। अब जितना राखी का जो साइज़ बनाना चाहते हो उसी तरह से एक गोल शेप का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लिया है मैंने नाइफ की मदद से। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा हमारा ये गोल राखी का बेस। अब इसके ऊपर मैंने माउंट बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है। आप कोई भी टी शर्ट या कपड़ों में जो मेन शर्ट में जो कार्डबोर्ड रहता है या माउंट बोर्ड रहता है उसे भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने कार्डबोर्ड की माप का अकॉर्डिंग ले लिया है और उसे थोड़ा सा छोटा करके मैंने राउंड शेप कट कर लिया है। तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा, एक साइज छोटा मैंने ये माउंट बोर्ड कट कर लिया है। अब इसे सेट करके देख लीजिएगा, देखिए एक साइज छोटा है। तो अब इसे हमें क्या करना है, आधे हिस्से में एक कट लगा लेनी है। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल डाल के इसे चिपका देना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाएगा और राउंड शेप ज़रूर रहेगा। तो इसी तरह से मैंने इसे चिपका लिया है, ड्राई कर लिया है। अब ये जो किनारे वाले हिस्से में थोड़ा थोड़ा कट्स लगा लेने हैं ताकि यहाँ फेविकॉल की मदद से इसे मैं बेस के साथ अच्छी से चिपका सकूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कट्स हमने लगा लिया है। अब इसे कट लगा लेने के बाद हमें फेविकॉल की मदद से इस बेस के ऊपर हमें चिपका देना है और थोड़ा सा हाथों के जरिए इसे मोड़ लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए हमारी बेस में। तो चलिए ये हमें अटैच कर लेना है, तो वो झटपट कर लेते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है टायक बाई स्वस्तिका, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस और रील्स और फोटोज़ हम पोस्ट करते हैं वहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब इसे यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है दिखाती हूँ। अब ब्लैक और रेड कलर ले लिया है, इसके ज़रिए हमें बेस को ब्लैक करना है और जो बाहर वाले हिस्से को रेड कर लेना है। तो चलिए झटपट एक्रेलिक कलर की मदद से हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। और ये जो कार्डबोर्ड का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाल या रेड कलर हम कर लेते हैं राउंड शेप का, चारों तरफ से एक ही टाइप का कलर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अब इसे ड्राई कर लेते हैं। और देखिए थिन जरी है मेरे पास, तो मैं ये ब्रोंज वाली जरी यूज़ में ले लूँगी और ये किनारे वाले हिस्से में इसे हम अटैच कर देंगे फेविकॉल की मदद से। आप ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हो, मेरा ग्लूगन खो गया था और मैं ये रात के 12 बजे बना रही हूँ क्योंकि अगले ही दिन मुझे निकलना है, हम घूमने जा रहे हैं और उसके दूसरे दिन ही राखी है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये रात के 12 बजे तैयार करना पड़ रहा है। तो वो मैंने ड्राई कर लिया है और अब मेरा जो खजाना है उसका पिटारा मैंने खोल दिया है और मेरी जो स्टोन्स है मैंने निकाल लिया है। मैं यहाँ पे गोल्डन और रेड स्टोन यूज़ में ले लूँगी। किनारे वाले हिस्से में हम ये जो टीयर ड्रॉप वाले येलो या गोल्डन जो स्टोन है उसे मैं लगा दूँगी और जो बीच में जो ब्लैक वाले हिस्से में वहाँ पे रेड वाली जो स्टोन राइम स्टोन्स मैं फेविकॉल की मदद से अटैच कर लूँगी। तो
तो चलिए झटपट इसे अटैच कर लेते हैं और इसे पूरा का पूरा ड्राई करना पड़ेगा, वरना उसके बाद वाले काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में फेविकॉल से जो चिपकाई है मैंने जो स्टोन, वो चिपक सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो बाउंड्री जो है वो रेडी हो गया है। अब जो कार्डबोर्ड के जो किनारे में नीचे वाले हिस्से में मैंने ये पॉम्पम लेस को हमें यूज में ले लेना है। तो मेरे पास रेड है, आपके पास जो भी हो आप यूज में ले सकते हो। तो ये देखिए ये वाले हिस्से में हमें वो पॉम्पम लेस को फेविकॉल या ग्लूगन की मदद से अटैच कर लेना है। तो चलिए झटपट इसे खत्म कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हूँ कैसा लग रहा है। तो लीजिए हमने ये अटैच कर लिया है, इसे भी थोड़ा ड्राई कर लेना है। अब इसके बाद हमें जगन्नाथ जी का जो आईज है वो ड्रॉ करना है। और देखिए मैंने इस्तेमाल में ले लिया है ये वाइट, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन वाले कलर, एक्रेलिक कलर। इसके ज़रिए हमें कलर कर लेना है, उनका फेस ड्रॉ कर लेना है। तो पहले पेंसिल से आई मार्किंग कर लिया है, अब उसके ऊपर हम कलर कर रहे हैं। तो अब उनकी तिलक का ड्राइंग हम कर रहे हैं। तो चलिए ये पेंट कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हम कर लेंगे, आप अपना जैसा भी कर सकते हो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पिंटरेस्ट की मदद से या गूगल की मदद से आप कोई भी जगन्नाथ जी की तस्वीर को डाउनलोड करके उसे देख देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ मंडाला टूल्स था तो उसे मैं यूज़ में ले लिया है। तो उसी की मदद से हम ये डॉट डॉट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी जगन्नाथ जी का फेस ड्रॉ कर रही हूँ और धीरे धीरे देखिए मैं किस तरह से ये कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब और जो डॉटिंग टूल्स था मेरे पास, आप डॉटिंग टूल्स अगर ना हो तो कोई भी पेन के पीछे वाले हिस्से को लेके भी आप कर सकते हो, या ब्रश के पीछे वाले हिस्से को भी यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने ये आईज ड्रॉ कर लिया है और दो साइज छोटे टूल्स लेके मैंने आई बॉल भी यहाँ क्रिएट कर दिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा हो गया है। और एक जो माउंट बोर्ड कट कर लिया है पीछे वाले हिस्से में, इसे चिपका देना है। मेरे पास ये थिन जरी था और टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाके दुकान से खरीद लूँ। आपके पास अगर मोटे कोई जरी हो तो आप उसे यूज़ में ले सकते हो, यू आर योर ओन बॉस। तो मेरे पास जो भी था मैंने यूज़ में ले लिया है। पहले ही कहा है मेरे पास टाइम बहुत ही कम था और सूखने देने की भी टाइम नहीं थी, पर आप ज़रूर इसे ड्राई कर करके ही करेंगे तो और भी डिटेलिंग्स अच्छा होगा। तो पीछे वाले हिस्से में मैंने पूरा का पूरा फेविकॉल को चिप लगा लिया है और अब इसे जरी को हमें अटैच कर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा और भी ग्लू लगा लिया है और मैंने ये माउंट बोर्ड को उसके ऊपर चिपका दिया है ताकि हमारी राखी नहीं खुले। तो इसी तरह से एक इजी वे में हमारा ये राखी बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं अपनी तीन भाइयों के लिए ये राखी तैयार किया है। तो देखिए कैसा हुआ, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, आपकी राखी भी बहुत ही अच्छी तरह से कटे यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो चलिए राखी के दिन मैं तो पूरी जगन्नाथ धाम में रहूंगी, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। तो आप अगर इसे ट्राई कर रहे हो बनाने की तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसकी तस्वीर डालिएगा और पिन कीजिएगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।